बाइक उसने आगे से हिट की ना, उसका जो हैंडल था वो मेरे इधर पेट को बजा। 7000 का वाइजर था यार, शिट यार, पूरा वाइजर टूट गया यार। बाप रे गाइस, ये देखो इसका पूरा नाखून ही टूट गया। अरे बाप रे, ये देखना गाइस हालत, देख रहे हो, ये देखो ये बाहर है सारा, ये देखो हालत, ये देखो यहाँ से ये वाइजर यहाँ तक होता है सारा खत्म। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, क्या हाल तुम सबका, आई होप तुम सब बढ़िया ही होगे यार। जैसा कि तुमने देखा ही होगा कल मैंने व्लॉग कितना देर से ड्रॉप किया, रात को 12 बजे मैंने व्लॉग डाला है गाइस, पहला कश्मीर ट्रिप का रात को 12 बजे, तुम सोच सकते हो। तो जिसने मिस आउट किया आप जाके प्लीज चेक कर सकते हो, कल का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। हम फाइनली पहुंच चुके थे कश्मीर एंड थक गए थे गाइस, तो व्लॉग कर नहीं पाए। वैसे गाइस देखो तुमने लेट देखा कितना व्लॉग, तो एडिट भी नहीं किया, और फिर हम थोड़ा मतलब लाइक अपना ना स्टे वगैरह ढूंढने के चक्कर में थोड़ा सा बिजी रह गए थे। तो फिलहाल चलो तुम्हें दिखाता हूँ हम कहाँ पर रुके हुए हैं, ठीक है। ये रही प्रॉपर्टी हमारी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर बाइक से हमारी, ये देखो सुबह हो रखी है, देखो कश्मीर में हम, ये पहाड़ देख लो। अभी तुम्हें बताता हूँ, ये रहा हमारा स्टे गाइस, बड़ा ही कोजी सा है, ये देखो सेक्सी है गाइस। सबसे पहले ये देखो यहाँ पे शीशे में तुम्हारा भाई टनान, ये रहा हमारा बाथरूम, ठीक है। ये रहा हमारा किचन, खोलूँगा नहीं ज़रा गंदा है, ठीक है। यहाँ पे ये एक रूम है, ठीक है, जिसमें मैं सोया था रात को, ओके। यहाँ पे ये दूसरा रूम है, असली हालत देखो इस रूम की ख़राब है, क्योंकि हम सबका लगेज है गाइस, ये देखो इतनी गंदी हालत है। एंड ऊपर पे भी है, लाइक 3 रूम्स ऊपर भी है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ स्टे ऐसा है, तो अभी का सीन कुछ ऐसा है ना, तो थक गए हुए थे बिकॉज मैंने लगेज भी कैरी किया हुआ था ना, तो थक गए हुए थे। तो आज का सीन क्या, आज हम जा रहे हैं इधर से डल की ओर, मतलब बाकी सारे बंदों ने व्लॉग नहीं एडिट किया हुआ अभी तक, तो वो व्लॉग एडिट करेंगे, उसके बाद हम निकलते हैं यहाँ से डल की ओर। ये सब बाइक्स ऑलरेडी धुला चुके हैं, उन्होंने मेरे को बताया भी नहीं, मेरी बाइक धुली नहीं है, तुम्हें पता है इतनी गंदी, मैं दिखाता हूँ तुम्हारी हालत। ये देखो खुद ना 100-100 रुपए की धुला के लाए, मेरी मेरी बाइक तो भाई बाइक बाइक दिली हुई थी, 200 की बाइक, 200 की, तूने ये बाइक धुलाई है, ये 100 रुपए की, इधर देख भाई हम कल धुला रहे हैं। सही चल रहा है, एक मिनट ये देखो मेरी बाइक की हालत, तुम देख रहे हो कितनी गंदी कर रखी है इन्होंने, ये देखो मतलब मेरी बाइक का तो वो कुछ रखा ही नहीं है कि धुलाए ना धुलाए, ये देखो हालत गाइस, ये देखो। चलो कोई नहीं, खुद ही धुलानी पड़ेगी गाइस गरीबी। तो चलो अभी फिलहाल सुबह सुबह उठ के मैंने अपने शूज साफ किए, बिकॉज ये मिट्टी से ना भर के थे, तो ये अभी थोड़े से खुद मैंने हाथ वगैरह से साफ किए, तो फिर भी दिख रहे हैं थोड़े से। तो A few moments later, मौका मिला नहीं धुलाने का, ये सब तो अकेले अकेले धुलवा के ले आए हैं बाइक, देखो कितनी चमक रही है। मेरे पास एक ही ऑप्शन है, वो है ये बाल्टी, ये बाल्टी और मेरी बाइक, बस मैंने ली गाइस, थक गया यार, बाइक वॉश कर ली, ये देख लो अच्छे से वॉश कर लिया। अब चेन से थोड़ी आवाज़ आ रही है, ये देखो मतलब जितनी मेरे से हो सकती थी ना अभी उतनी मैंने वॉश कर। 2000 years later. Well guys, like अभी हम सारे व्लॉग ही एडिट कर रहे थे, एंड तुम्हें बता दूं मैं सीन हो रखा है गाइज एक, ठीक है। कुछ हमारे लाइक बंदे गए हुए थे गाइज बाइक की सर्विस कराने, बिकॉज एक बाइक मिस मार रही थी, उसकी सर्विस कराने गए थे कहीं हैदरपुरा वाली साइड, वहाँ पे इनका हो गया क्रैश, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। और मैं तुम्हें बाइक की हालत दिखाऊँ क्या करके आए हुए हैं, मतलब सर्विस तो कराई बट बाइक की हालत दिखाता हूँ। ये देखो तुम ये देख रहे हो, ये देखो ये बाहर है सारा, ये देखो हालत, ये देखो यहाँ से ये वाइजर यहाँ तक होता है सारा ख़त्म। और दिखाओ और क्या हुआ है, बस बाकी तो है ही नहीं इसको कुछ, मगर ये देखो ये पूरा टेढ़ा हो गया था, ये सीधा करवा के लाया इन्होंने इस साइड वाला, एंड यहाँ से देखो ये फट गया हुआ है पूरा टैंक, ये देखो, ये देखो तुम ये देखो ना पूरा वाइजर का ही मतलब वो मतलब ईरी पीरी निकल गई है, ये देखो ये। अब तुम्हें लेके चलता हूँ अंदर, उनसे मिलाता हूँ जो ठुके हैं, और उनको कहाँ कहाँ लगी है वो भी दिखाता हूँ मैं। ये देखो दोनों यहाँ पे कैसे लेटे हैं, क्या हुआ भाई, ये देख रहे हो यहाँ, इधर अरे बाप रे, ये देखना गाइस हालत, ये एक जगह और है दिखा नहीं सकता। ओ समझ गया मैं, देख सकता हूँ नहीं नहीं ये क्या इधर, ये छूटा क्या कर रहा है, इधर भी तो लगी है, छूटा नहीं है इधर लगी है, मजाक ले रहा है। हुआ क्या, मेरा पूरा कसम से वाइजर टूट गया, 6-7 हज़ार में। हुआ क्या, मसला क्या हुआ, अरे वो रॉन्ग एकदम से बीच में आया, ठीक है एकदम खड़ा था वो, जैसे हम निकले वहां से निकले, बोलता आप रॉन्ग साइड आ रहे, वेलकम टू कश्मीर, बोलता क्या रॉन्ग साइड आ रहे हो, अल्लाह की कसम ये बोलता रॉन्ग साइड आ रहे हो, मैं हंस रहा हूँ वहाँ पे, कोई नहीं मैं क्या बोलूँ, क्या बुढ़ा था लड़का था, कोई लड़का था यार वहाँ पे, आपको पता है गाइस हम पुलिस वालों का सीन है पहले ही, तो वहाँ पुलिस वाले बड़े सारे खड़े थे। ओ तेरे को क्या हुआ, इसके पीछे बैठा था, दोनों गिर गए, बच गया क्या, मतलब ऐसे फंड कोए हो शुर शुर करके नीचे गिरे बोतल, तेरे को कहाँ लगी भाई, नाखून, नाखून टूट गया, ओ बाप रे गाइस ये देखो इसका पूरा नाखून ही टूट गया, ये देखो
और इधर ये देखो इधर लग गया पर दिखा नहीं सकता। और जब उसके मतलब कि जब बाइक उसने आगे से हिट की ना उसका जो हैंडल था वो मेरे इधर पेट को बजा। उसकी बाइक का हैंडल, बाइक कौन सी थी उसकी? उसकी स्प्लेंडर थी, नहीं सीबी शाइन, सीबी शाइन थी यार। मतलब बाकी ठीक है, मगर लगी बहुत है। पर उसकी गलती थी भाई, यहाँ पे बंदे देखते नहीं है 90 गेट। हमने तभी कुछ नहीं बोला, इज्जत रख दी भाई बड़े। हमने उल्टा उठाया अगले को, मैंने उठाया उसको, मैंने बाइक उठाई, मैंने उसको उठाया भाई। हमने उसको बोला रॉन्ग साइड से आयो, और हमें क्या बोलता? तुम आयो रॉन्ग साइड से। हाँ, क्या बोलता? ऊपर से हेलमेट तक नहीं पहना था, पर वहाँ पे पुलिस वाला एक था, उसने बोला लगी तो नहीं, फिर उसने बोला कि जाओ बस। अगर यहाँ पे अगर हमारी गलती होती, हम रॉन्ग साइड से आए होते तो अभी तक हमें भाई। चलो क्या बोल सकते हैं, इनको अब लेके चलना पड़ेगा। अब हमने सबसे पहले हमने क्या करना है, अभी तक सोचे थे डल लेक इन्हीं का वेट कर रहे थे, हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं था इनका सीन हुआ है। अभी फिलहाल बजे हुए ही आए हैं, तो अभी इनकी पट्टी शट्टी कराते हैं। लेके वो देखी मैंने, तभी तो तुम्हारी हालत देखने आया, तो इनकी पट्टी शट्टी कराते हैं गाइस चल के। सबसे पहले हमने सोचा डल लेक वगैरह पे जाके विजिट करेंगे, डल लेक वाली साइड हमने रूम लेने जाना है गाइस। वहाँ पे होटल वगैरह एक होटल वगैरह चेक कर लिया, वही देखने ये गए हुए थे, तो मगर देखो ठोक के आए हैं वहाँ से, खुद को बाइक की सर्विस भी करा रहे हैं ये थे। चलो कोई चक्कर नहीं, अभी निकलते हैं यहाँ से, सामान उठाते हैं सारा वहाँ शिफ्ट करते हैं, देन उधर से आगे इनकी पट्टी कराते हैं। पट्टी कराने के बाद गाइस फिर मोस्ट प्रोबेबली लाइक डल के किनारे आपको लेके चलेंगे, एक वॉक वगैरह करेंगे, ठीक है। चलो इनका तो तुम्हें बता ही दिया मैंने क्या सीन हुआ है, मगर इतना अनफॉर्चुनेट सीन है भाई, बहुत ज़्यादा दुख हुआ कसम से। दाना कल रात से व्लॉग एडिट कर रहा है, इसका व्लॉग आज 30 मिनट का बना हुआ है। चलो क्या कुछ नहीं कर सकते गाइस, लेट्स गो। अभी इसका वेट ही कर रहे हैं, जब इसका खत्म होगा तो देन निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। बाकी अभी तुम्हें क्रैश हो गया यार, अभी फक हो गया, क्रैश हो गया यार, गंदा वाला क्रैश हो गया, बहुत गंदा वाला। मेरा कैमरा ऑफ होता, बहुत गंदा वाला क्रैश हो गया यार, बहुत गंदा वाला। उफ 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 उफ, बहुत गंदा वाला क्रैश हो गया, मेरा पूरा वाइजर वाइजर सब टूट गया यार। यार उफ गाइस ये देखो, रुक जा रुक जा, आगे जाके कहीं पे देखते हैं, रुक के कहीं पे कहाँ कहाँ लगी है यार, तेरे को होश ही नहीं होती है यार बाबा। गाइस ये देखो यार, पूरा टूट गया यार, खप्पे हो गया सीन यार, पूरा वाइजर टूट गया, 7000 का वाइजर था यार, शिट यार, पूरा वाइजर टूट गया यार, पूरा वाइजर टूट गया। और ये देखो मेरे हैंडल का ये भी टेढ़ा हो गया यार। तेरे को कहाँ कहाँ लगी, कहाँ कहाँ लगी? गाइस ये देखो यार, गाइस टांग में बहुत ज़्यादा लगी है यार, ये देखो यार, ये देखो यार, खूनों खून हो गया इसको। और कहाँ लगी तुझे, पेट में? देखा पेट में हैंडल बजा उसका यार, ज़्यादा तो नहीं लगी? कैमरा ऑन नहीं किया यार वहाँ पे यार, मैं यार छोड़ बेफालतू में मसला हो जाएगा कोई। वो पता है कहाँ आ रहा था, वो रॉन्ग साइड आया, पता तेरे को? उसको होश ही नहीं है बंदे को, और हमें बोल रहा है तू वहाँ से आ रहे हो। इस करवाने जा रहे थे सारी चीज़ें, देखो यार उसका हैंडल यहाँ पे बजा, ये पूरा छिलोता हुआ गया मेरा, पूरा छिलोता हुआ, पूरा का पूरा छिलो गया, पूरा कंडा हो गया यार, पूरा टूट गया यार, टोटल लॉस हो गया यार ये। गाइस यार पूरा यार, इसको पकड़ हाथ ने, इसको हाथ ने पकड़, इसकी सर्विस कराने जा रहे हैं, क्योंकि ना इसका बहुत ज़्यादा सीन हो गया रहा। आगे चल के कहीं पे रुक के बात करते हैं, चलना चलें देखते हैं आगे क्या बना यार। उफ उफ उफ, ये देखिए भी टेढ़ा हो गया, अगर मैंने ये ओरिजिनल लगाया होता ना ये टूट गया होता अभी तक, पता। उफ चला गाइस, हमने डल लेक से ऑलमोस्ट ना 15 किलोमीटर दूर थे, तो अभी हमें डल के पास जाके एक होटल लेना है, ठीक है, बिकॉज यार यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर पड़ रहा था। डल के पास जा रहे हैं, यहाँ से कोई ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर दूर है, तो जल्दी से वहाँ पे पहुँचते हैं, ठीक है। तो वहाँ से हमने दो बंदों को ऑलरेडी भेज रखा था अपने, क्योंकि उन्हें होटल भी करना था, तो होटल वगैरह हमने बुक कर दिया वहाँ पे। अब डायरेक्ट हम दोनों ने, देखो हम धूम के चोर होते ना वैसे बने हुए, सबने लगेज वगैरह ले लिया हुआ है। किलोमीटर से यहाँ से दूर है डल, तो यार डल का हमने इसलिए चूज किया बिकॉज यार तुम्हें पता है यहाँ की मेन अट्रैक्शन ही डल लेक है श्रीनगर की, तो अभी वहीं पे जा रहे हैं। फंस गए यार, क्या फंसे हुए हैं ट्रक्स में यार, ये श्रीनगर के रात में निकलने का यही सीन है यार, इतने ज्यादा ट्रक्स है ना, इतने ज्यादा। ये देखो एक दूसरे को ओवरटेक करने के चक्कर में ना हमें लपका देंगे यार ये, बाप रे। वेल फाइनली गाइस डल के पास पहुंच चुके हैं, एंड गाइस अभी घाट नंबर 2 के पास जाना है, जहां पे हमारा होटल है, तो वहीं पे जाना। अभी ये देख लो साइड से हाउसबोट्स, अभी तुम्हें रात के व्यू में दिख रही होंगी यार। 2000 years later अभी रात के सीन्स बताता हूँ यहाँ पे कौन कौन है। तो अभी तुम्हें बता दे कल हम निकलने वाले हैं, चुप कर ले बोल।
तो गाइस कल हम लाइक शिकारा राइड्स लेंगे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, ये रही डल यहाँ पे, ठीक है। ये तुम व्यू देखो पूरा डल का, ये देखो शिकारा देना। कल हम इनमें से किसी एक शिकारा में राइड लेने वाले हैं और पूरी राइड लेंगे, लाइक चार चिनार वगैरह और लाइक फ्लोटिंग मार्केट वगैरह जाएंगे। और हम इसमें भी रुकने वाले हैं गाइस, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। स्पेशली हमने एक प्रोग्राम बनाया, हम जाना नहीं वाले थे, बिकॉज तुम्हें पता है हाउस बोट्स में रहना ना एक्सपेंसिव रहता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो हमने प्लान किया कि एक दिन हम रहने वाले हैं इसमें, जो हमारी ये ट्रिप है ना, इसमें एक दिन हम हाउस बोट में रहेंगे। एंड भाई तुम्हें बताएंगे हाउस बोट के अंदर से फील कैसा होता है और क्या क्या आपको फैसिलिटीज मिल सकती है। गाइस रूम भी इसीलिए यहाँ पे लिया हमने, बिकॉज यार डल नजदीक है यार, कश्मीर आए तुम डल लेक के पास नहीं रहे तो फायदा कोई। और लिटरली इतना महंगा रूम पड़ा है ना, इतना महंगा रूम पड़ा है, बट तब भी हम चाहते हैं कि अगर हम यहाँ पे आए हैं ना तो तुम्हें कुछ दिखाएं, खाली सूखा नहीं लेके जाएं। चलो गाइस मिलते हैं अब आपको आगे, थोड़ा खाना शाना खाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके ब्लॉग अच्छा लगे ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। दूसरा एपिसोड रहेगा ये हमारा, ठीक है। आज बहुत सारी चीजें हुई गाइस, बहुत सारी चीजें। चलो मिलते हैं आपको गाइस 2000 years later। वेल फाइनली गाइस आ चुके हैं वापस अपने होटल पे। एंड तुम्हें बता दूं आज का दिन मतलब क्या रहा, मतलब सीन्स पूरा ही खराब हो गया, जैसे तुमने क्लिप देखी मैंने डाली भी थी। एंड ये देखो ये दोनों इधर ही बैठे हैं मेरे साथ बेचारे, इनको दर्दे उठी हुई हैं गाइस, पट्टी शट्टी करा दी हुई है इनकी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, आज का प्रोग्राम हमने ऐसे भी कैंसिल कर दिया बिकॉज लगी हुई थी। अब कल के व्लॉग में तुम्हें दिख जाएगा कहीं ना कहीं तो हम एक्सप्लोर करने जाएंगे और बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है इस सीरीज में। आपने क्या करना है, आपने जो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगना है, आपने क्या करना है, जिसको व्लॉग अच्छा लगना है आपने आप आगे ना अपने 5 बंदों को और शेयर करना है व्लॉग को, ठीक है। जितने बंदों को आप शेयर करोगे ना नीचे जाके कमेंट करना, अगली वीडियो में आपको शाउट आउट होगा, ठीक है। बाकी रूम वगैरह भी मैं सुबह दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखाने वाला, मतलब इतना खतरनाक सा रूम है ना, तुम देखोगे ना तुम्हारी भी फट जाएगी, तो उसके लिए आपको कल का व्लॉग देखना पड़ेगा। चलो मिलते हैं आपको गाइस कल के व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।